बदतमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं आपका। और आप संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। एक बार देख लीजिए इन तस्वीरों को। इन तस्वीरों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये लोग कौन हैं और किस बात की चेकिंग चल रही है। तो भैया, ये है जिला मुजफ्फरनगर और जिन लोगों को आप देख रहे हैं ये सब हिंदू क्रांति दल के कार्यकर्ता हैं और करवा चौथ से पहले चेकिंग अभियान चला रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि करवा चौथ को लेकर कैसा चेकिंग अभियान, तो चलिए आपको इस चेकिंग के पीछे की कहानी बताते हैं। दरअसल हिंदू क्रांति दल के ये लोग करवा चौथ से पहले मेहंदी लगाने वाले लोगों की चेकिंग कर रहे हैं कि वो हिंदू हैं या मुसलमान। अगर हिंदू हैं तो कोई बात नहीं, अगर मुसलमान हैं तो सीधे मार्केट से चलता करवा रही। इतना ही नहीं, इस चेकिंग के दौरान पूरा जेड सुरक्षा का प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा, जिसमें मेहंदी लगाने वालों का प्रॉपर आधार कार्ड चेक किया जा रहा। हालांकि इस मामले को लेकर जब हिंदू क्रांति दल के जिला अध्यक्ष से हमने बात की तो उनका कहना था कि अगर मुस्लिम बहनें मेहंदी लगा रही हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सहयोग कर रही हैं और इससे उन्हें भी हमारे धर्म के बारे में ज्ञान होगा। हमने बहुत पहले से ही समाज में ये मैसेज दे दिया था कि ये हिंदुओं का त्यौहार, पवित्र त्यौहार है, इस पर केवल हिंदू बालिकाएं ही मेहंदी लगाएं और जो भी मेहंदी लगा रहा है वो आधार कार्ड अपने साथ रखे ताकि पहचान हो सके कोई गलत व्यक्ति तो यहाँ नहीं बैठा है। चूँकि मेहंदी लगाने के मामले में नंबरों का आदान प्रदान होता है, उससे आगे जाकर लव जिहाद को बढ़ावा मिलता है। जिन लड़के के पास आधार कार्ड नहीं थे आपने उन्हें भी हटाया है, चाहे हिंदू रही हो या कोई भी रही हो। कुछ लड़के थे जो मेहंदी लगा रहे थे, वे हिंदू थे, उनसे आपने आधार कार्ड मांगे? हाँ, हमने उनसे आधार कार्ड देखे और उन्होंने या तो हमें बताया कि हमें भी मंगा रहे हैं और मतलब उन्होंने हमें कोऑपरेट किया है। कुछ लड़के थे आपने उन्हें हटा दिया, कुछ मुस्लिम लड़की थी, तीन चार आपको मिली थी, आपने उन्हें भगा दिया कि आप यहाँ मेहंदी नहीं लगाओगे, वहाँ कुर्सी भी तोड़ी गई, क्या वो क्या था प्लान? नहीं, कोई कुर्सी नहीं तोड़ी गई। वो जो दुकानदार जहाँ वो लड़कियाँ बैठी थी उसके बारे में वो शब्द हैं जो यहाँ इस पर तो कहना अच्छा नहीं है, वहाँ सही काम नहीं होता है, वो लड़कियों को बरगलाता है, तो इसलिए वहाँ से उन बच्चों को वापस घर भेज दिया था। बता दें कि इसी मुजफ्फरनगर में इससे पहले विश्व हिंदू परिषद ने भी आधार कार्ड चेक करने का अभियान चलाया था। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी की रिपोर्ट, यूपी तक।